दोस्तों, आपने स्वर्ग के बारे में तो सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, पर हैरान ना हो मेरे दोस्तों, क्योंकि स्वर्ग की जो तस्वीर आपके मन में आ रही है उसमें सोने से बनी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। और अगर आप ऐसे ही नजारे का आनंद लेना चाहते हैं तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के महालक्ष्मी मंदिर अवश्य जाइएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 15,000 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में 7 साल लगे और लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आई। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें अंदर और बाहर इतने सोने का इस्तेमाल हुआ है। विश्व में कहीं भी किसी मंदिर में इतने सोने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तमिलनाडु में वेल्लोर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी और चेन्नई से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर यही लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है। 24 अगस्त 2007 में यह मंदिर दर्शन के लिए खोला गया था। मंदिर परिसर के उत्तर में एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें कई नदियों का जल आता है। यह सर्व तीर्थम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है और मंदिर अपनी भव्यता के लिए दुनिया में, जिस तरह उत्तर भारत के अमृतसर में बना स्वर्ण मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, वेल्लोर जिले के महालक्ष्मी मंदिर की सुंदरता को देखकर तथा इसकी रौनक और चमक को महसूस कर आपको बेहद खुशी होगी। मंदिर परिसर में 27 फीट ऊंची एक दीपमाला भी है। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन के बाद इसके दर्शन करना बेहद ही अनिवार्य माना जाता है। रात की चांदनी रोशनी जब इस मंदिर पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है मानो हम स्वर्ग में ही खड़े हों। इसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग की ऐसी फिटिंग हुई है जिसे देखकर आपका मन खिल उठेगा। इस मंदिर की भव्यता का एक और भी कारण है इसके चारों तरफ की हरियाली। 2007 में बने इस मंदिर की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्वर्ण मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी स्वर्ग सा दिखने वाले इस मंदिर के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में अवश्य आइए। तो आज हमने आपसे बात की इस 15,000 किलो सोने से बने मंदिर के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और फटाफट सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।